हे गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं। ठीक से रोशनी आई नहीं है बाहर, अभी अंधेरा ही है। फॉग बहुत ज़्यादा नहीं है, सो बाहर जाएंगे वॉक करने। कल इससे भी ज़्यादा था, कल करके आए थे हम लोग, अलग ही फील आ रही थी कल तो। सो ट्यूसडे है आज, दिन काफ़ी हेक्टिक रहने वाला है बिकॉज मीटिंग है लाइंड अप। तो एक तो दोस्तों को भी कॉल करना है, उनसे कैचअप करना है। ये सब सारे टास्क हैं, उसके अलावा ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग तो चलता ही रहता है। लेट्स किक स्टार्ट टुडे। ठंडे हवा चल रही है, लोकल डॉग गैंग का फाइट चल रहा है अभी। Not to be a part of it. There's a dispute related to the ownership of fishing lines. They're trying to resolve it. साइड में हमारे सिक्योरिटी टीम की ट्रेनिंग भी चल रही है, सुबह के 8 बजे के। In the highly regulated banking space, lack of clarity has led to an identity crisis for neobanks. Experts say they must break free from the traditional bank's shackles to compete well. Help and support from the regulatory regime with friendly policies and recognition could be a way out. Oh, kitne kha sakte hain? Day 15 breakfast, we are having oats chila. I can have two, Pramita will have one, and almonds. And for beverage, we are having what? Halki doodh. Your fruit chaat is ready with some guava, kiwi and chaat masala. तो जो ये अभी मेरे पीछे का जो सेटअप है, इसमें एक मॉनिटर की कमी है। टेबल के लेंथ के हिसाब से जितना मेरा आई से डिस्टेंस होता है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा बड़ा मॉनिटर यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इसमें देखने में काफ़ी तकलीफ होती है। काफ़ी टाइम पे थोड़ा आगे झुक के देखना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पोस्चर खराब होता है। सो आई वॉज लुकिंग फॉर अ डेस्क मॉनिटर विच आई कैन यूज़ टू अपग्रेड माई वर्क फ्रॉम होम सेटअप एंड माई क्रिएटिविटी सेटअप, जहाँ पे मैं वीडियोज एडिट करता हूँ या फिर ब्लॉग्स बनाता हूँ। सो आई वॉज डूइंग सम रिसर्च एंड दीज वेर द कपल ऑफ कंस्ट्रेंट्स दैट आई हैड फॉर बाइंग द मॉनिटर, दैट द बजट इज 20K एंड दीज आर द ब्रांड्स आई एम इंटरेस्टेड इन। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, सो देर आर 3 थिंग्स यू कैन लुक फॉर वाइल बाइंग अ मॉनिटर। वन इज द पैनल टाइप, सो अगर आप ज़्यादा कलर एक्यूरेसी पे ध्यान दे रहे हो और आपका काम वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग का है, तो आपको एक IPS पैनल लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कलर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। दूसरी जो चीज़ है वो रिस्पॉन्स रेट है। अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, सिर्फ ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो या फिर नॉर्मल बेसिक एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, तो 60Hz से 75Hz तक का आपका मॉनिटर होना चाहिए। एंड जो तीसरा चीज़ है वो रिस्पॉन्स रेट, अगर आप गेमिंग नहीं करते हो, आपको 4 मिलीसेकंड से 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स इज गुड इनफ। एंड वन फाइनल क्राइटेरिया विच इज़ द साइज एंड द रेजोल्यूशन। साइज मेरे हिसाब से 27 इंच इज बेटर फॉर माई सेटअप हियर, बिकॉज आई प्रेफर अ बिगर स्क्रीन पर्सनली। एंड फॉर अ 27 इंच सेटअप द रेजोल्यूशन शुड बी मोर देन फुल HD, सो आई एम गोइंग फॉर अ क्वाड HD स्क्रीन। सो ये हो गए मेरे सारे डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स, और सब कुछ कंसिडर करने के बाद दी वन आई हैव फाउंड on Amazon is this one, which is LG's QHD 27-inch monitor. आज Amazon पे सेल चल रहा है, सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर इट राइट नाउ एंड ये परसों तक डिलीवर हो जाएगा। इसमें HDR10 सपोर्ट है, AMD FreeSync है, डुअल HDMI पोर्ट है एंड इट्स IPS पैनल डिस्प्ले। सो बेस्ट ऑफ एवरीथिंग एंड काइंड ऑफ फिट्स इन माई बजट, सो आई एम गोइंग टू ऑर्डर दिस नाउ। आज क्या गोभी की सब्जी एंड रोटी है कि क्या है? तो गोभी नहीं है, पत्ता गोभी, गोभी हम गोभी बोलते हैं।
और ये लोग फिगर आउट कैसे करते हो चीजें लाइक सब साग है, सब साग है तुम्हारे लिए पता। अच्छा कोई बोले कि मुझे साग चाहिए तो तुम कौन गोभी और ओट्स का चीना मिलेगा गरम किया इसको। वाह चावल दीदी के लिए अच्छा मिलेगा। थैंक यू। चाट मसाला भी तो मिलना चाहिए नहीं। मना लो फिर अपना एक भागती रहती थी लेज खाता था। ऑलराइट इट्स 7:30 पीएम इन द इवनिंग। ऑफिस का काम हो गया है खत्म तो अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ब्लॉग पोस्ट क्योंकि आज जाना है पीएम अनफिल्टर्ड सीरीज का इंटरव्यू नंबर 3। देन आई मूव ऑन टू एडिटिंग द ब्लॉग फॉर द डे एंड आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट एल्स वी कैन स्क्वीज इन। सो लेट्स स्टार्ट द इवनिंग। डे 14 डिनर के लिए वी आर हैविंग फिश करी एंड साथ में वी विल हैव सॉल्टेड वेजिटेबल्स। नो नो सैलेड ओनली सैलेड सॉरी आज ड्यू स्पेशली fish curry and salad. Okay, it's 9:30 PM. Vlog editing खत्म हो चुका है। अभी बस render हो रहा है। 5 minutes में वो done हो जाएगा। Then I'll upload it on YouTube and vlog का काम खत्म हो जाएगा। For the blog post, I already have the responses recorded in my survey form for the interview post. उसको quickly transfer करूँगा on Canva. It'll take 15-20 minutes. And फिर उसको export करके I'll just put it on my Instagram handle. So yeah, quickly इसको finish करते हैं, then we'll figure out if I can do something else or I need to go to bed. So let's do it. So blog post का काम भी खत्म हो गया है, Canva design is ready. आज the interview I'm publishing is with Aditya. So we were batchmates and I am Indar. अभी he is doing some very cool stuff in product management and in the startup world. So उसका interview is published हो रहा है. एंड मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे डाल दिया है सो पोस्ट इज लाइव नाउ ऑन माय इंस्टा हैंडल सो ग्रेट। ऑलराइट सारे काम खत्म हो गए। मेरा ये पानी रह गया वो पूरा नहीं पी पाया। वन मेजर टास्क जो कल करना है वो है बैकअप लेना। GoPro और DSLR दोनों के कार्ड्स ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं सो कल बैकअप लेके खत्म करूंगा। इस संडे को नहीं ले पाया था एक्चुअली आई थिंक भूल गया मैं तो कल ले लूंगा। बाकी आज के दिन के सारे काम हो गए सो या फीलिंग गुड। आज के लिए ब्लॉग इतना ही रखते हैं। अभी जाके थोड़ा यूट्यूब देखता हूँ एंड देन विल गो टू बेड। सो आई विल कैच यू गाइस टुमारो। टिल देन गुड नाइट सी यू टेक केयर बाय बाय।